हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। एंड आप सभी का स्वागत है कार एक्सचेंज में। गाइस यार, आप सबको याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में ना मैंने भाई बिजनेस के थ्रू ना सुप्रा को ड्राइव किया था। बट गाइस यार, अपनी किस्मत इतनी खराब है ना कि भाई मैं क्या ही बताऊं, मैं सुप्रा को ज्यादा देर तक ड्राइव कर ही नहीं पाया भाई। उसमें तो कुछ अलग ही लेवल के सीन हो गए थे जो कि आपको उसी वीडियो में पता लगेगा। और साथ साथ मैंने उस वाली वीडियो में ये बताया था कि हाउ टू अर्न मनी, वो भाई लाइव प्रूफ के साथ। एंड ये नहीं है कि भाई मैंने आपको ये बता दिया कि भाई डॉलर को कैसे अर्न कर सकते हैं। मैंने उसमें ये बताया था कि आप गोल्ड कॉइन को भी कैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी काफी इजी तरीके से एंड काफी जल्दी जल्दी। तो आप भाई अगर इंटरेस्टेड हो तो वो वाली वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड साथ साथ में गाइस, मैंने आपको उसमें यही पूछा था कि भाई मेरे पास काफी अच्छे खासे डॉलर हो चुके हैं तो मुझे कौन सी गाड़ी बाय करनी चाहिए। एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मुझे BMW M2 बाय करनी चाहिए या फिर मुझे कॉर्वेट C6। एंड गाइस यार, आप लोगों को ना भर भर के कमेंट आया था दोनों गाड़ियों के लिए, भाई मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया था। बट हां गाइस, ज्यादातर जो मुझे कमेंट लगे ना वो भी कॉर्वेट C6 के लगे। तो आज ना मैं उसी को बाय करने वाला हूं एंड उसका एक्सपीरियंस देखेंगे कि एक्चुअली में उसकी स्पीड कितनी है नॉर्मल, ठीक है। अभी क्योंकि उसको हम अपग्रेड नहीं करने वाले, बिकॉज हम नेक्स्ट एपिसोड में ना सुप्रा को बाय करने वाले हैं एंड उसी को अपग्रेड करेंगे। एंड भाई फिर देखते हैं सुप्रा को भाई कैसा लगता है एंड क्या ही उसकी आवाज होने वाली है। सो अभी के टाइम पे तो हम कॉर्वेट C6 को बाय करने वाले हैं एंड देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है। एंड गाइस, साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि भाई आप गेम को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। भाई आप लोग भाई इतना कमेंट करते हो ना भाई, मैं लिखते लिखते मर जाता हूं भाई मैं। बट गाइस यार, आज मैं आपको बता दूं कि आप इस वाली गेम को अपने फोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हो एंड कौन से फोन में ये वाली गेम चलने वाली है, कौन से फोन में नहीं चलेगी। तो भाई ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी कंडीशन है, आपके फोन की रैम भाई 6GB प्लस होनी चाहिए। अगर आपके फोन की रैम 4GB है या फिर 3GB 5GB है तो भाई बिल्कुल भी नहीं चलने वाली ये गेम। अगर आपके फोन की रैम 6GB है तो काफी इजीली आपको ये गेम प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके काफी इजी खेल सकते हो भाई, प्ले कर सकते हो। 8GB रैम, 12GB रैम काफी इजीली और काफी स्मूथली तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार ये गेम लैग करती है भाई, मेरे फोन में खुद लैग करती है भाई, मैं क्या ही बताऊं। मतलब अगर मैं इसको ना हाई ग्राफिक्स में, मैक्स ग्राफिक्स पे 2 घंटा खेल लेता हूं ना तो भाई गेम लैग करने लग जाएगी। तो भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट अगर लो ग्राफिक्स पे खेलते हैं ना तो भाई लैग नहीं करती। सो अब ये काम करते हैं, जल्दी से अपने गेम में चलते हैं भाई, गाड़ी को बाय करते हैं। काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई लिटरली। एंड नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना, सुप्रा बाय करने वाला हूं भाई मैं, मतलब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब ये काम करते हैं, जल्दी अपने गेम में चलते हैं, लेट्स गो। सो राइट गाइस, यार अभी देखो मैं अपने गेम में आ चुका हूं एंड ऑलमोस्ट मेरे पास $400,000 हो चुके हैं। मतलब हुए नहीं है बट हां, अभी मैं कर लूंगा क्योंकि 4000 की जरूरत है, वो भाई मैं ऑटोमेटिक ही कर लूंगा। एंड 121 गोल्ड कॉइन है जो कि भाई नेक्स्ट एपिसोड तक 170 के आसपास हो जाएंगे। मतलब ये है कि मैं अपनी सुप्रा को बाय कर सकता हूं। एंड अब ये काम करते हुए मैं मैप में ही जाने वाला हूं, ठीक है। यहां से डायरेक्ट नहीं जाएंगे कार शोरूम में हम भाई, इसी के साथ गाड़ी को चला के ड्राइव करके जाने वाले हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रूट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड वेट यार, सबसे पहले तो ना अपने जो ग्राफिक्स है ना यार, उनको मैं ना भाई हाई कर लेता हूँ। मैं ग्राफिक्स को ना कम करके खेलता हूँ जब मैं फ्री टाइम में खेलता हूँ, क्योंकि यार फिर फोन भाई हीट हो जाते हैं और गेम लैग करते हैं तो इससे का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एंड भाई कैमरा एंगल तो भाई तू सही, ओके ये ठीक है। एंड वेट, इसके जो कंट्रोल्स है ना उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये रहे, ठीक है। ओके, अभी एकदम ठीक हो चुका है। सो अभी काम करते हैं, जल्दी से अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। एंड वेट, लेट्स गो। आज तो भाई अपनी मस्टैंग भी भाई काफी खतरनाक लग रही है, लेट्स गो। ओ ओ ओ भाई, कहीं पे ठूक ना जाए भाई, ड्रिफ्ट मारते ही लेके चले क्या भाई? इधर उधर झाड़ियों में बढ़ जाएगी गाड़ी, पेड़ पोड़ में ठुक जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा ड्रिफ्ट मारता नहीं हूँ। लेट्स गो। यार वेट भाई, मुझे ना गेम का साउंड थोड़ा कम करना पड़ेगा, वेट। ओके सो गाइस, अभी ठीक है, अभी मैंने अपने जो गेम है ना उसको साउंड कम कर लिया है। सो अभी मैं एकदम कंफर्ट फील कर रहा हूँ, लेट्स गो। अभी काम होता है, जल्दी अपने शोरूम पे चलते हैं एंड जाके जल्दी से भाई गाड़ी को बाय करते हैं। उसका प्राइस मुझे नहीं पता, आई थिंक 230,000 के समथिंग अराउंड है, बट अभी एक्चुअल में पता लग जाएगा कितना होने वाला है। लेट्स गो हमको भाई, ओ वेट, इधर से कट लेना है क्या मुझे? वो क्या खतरनाक कट है, ठुक मत जियो। चलो हल्की सी लग गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है भाई, कॉम्बो लॉस्ट हो गया भाई। अच्छा कॉम्बो, भाई कॉम्बो मेरा एकदम मस्त बना हुआ था जो कि, अरे यार ड्रिफ्ट क्यों नहीं मारता मैं भाई, लगती नहीं है ड्रिफ्ट भाई, मारूंगा तो क्या ही मारनी भाई ड्रिफ्ट। ओके तो लो सारी बात छोड़ते हैं एंड मैं अभी अपने शोरूम पे आ चुका हूँ। कहाँ पे भाई? ओके सामने ही है ना, हाँ ये रहा अपना शोरूम। लेट्स गो, अभी जल्दी चलते हैं देखते हैं कि भाई अपनी गाड़ी का क्या कुछ होने वाला है, लेट्स गो। एंड हाँ, अभी मैं कोई भी गाड़ी को ना अपग्रेड नहीं करने वाला, बिकॉज ऑफ मैंने बोल रखे कि सुप्रा जब मैं बाय करूँगा तो उसको मैं अपग्रेड करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। ओके ये रही अपनी कॉर्वेट C6 एंड अभी मैं इसको बाय कर लेता हूँ भाई, काफ़ी मस्त साउंड दे रही है भाई तो ये। एंड हाँ
3, 2, 1 लेट्स गो गाइस। यार मैंने इसको भाई, अरे जाते हुए मुझे देखना है, वो जा रही है भाई, वो मेरे घर पे चली गई क्या? अब मुझे ये नहीं पता कि इसको बाय तो मैंने कर लिया है, बट इसके लिए मुझे घर भी बाय करना पड़ेगा क्या, जहाँ पे ये खड़ी रहेगी। आई थिंक नीडेड हाउस ओ सीट मैन। इसको मैं चेंज कर लेना, ओके। हाँ वो चेंज तो हो गई है भाई, चेंज हो गई है, बट इसके लिए मुझे घर की ज़रूरत है। तो वाह ये यहीं पे हो गई है, बट हाँ इसके लिए ना मुझे घर की ज़रूरत रहेगी। ओ साउंड देखो भाई, पॉप भी काफ़ी अच्छा मार। ओ इसमें भाई 4 सलेंसर है भाई, नाइस। ओ भाई क्या खतरनाक लग रही है यार। ओ ओ ओ ओ, 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 ओ ड्रिफ्टिंग में ओते बोल की ऐसी की तैसी भाई। ओके तो अब भी एक काम करते हैं, इसका ये देखते हैं कि एक्चुअली में ना इस वाली गाड़ी को हमने बाय तो कर लिया है, इसकी क्लास और इसका जो रेटिंग है वो भी मुझे सही लग रहा है। एंड देखते हैं कि इसके लिए कौन सी कार बेस्ट, मतलब क्लास बेस्ट रहेगी, ये वाली क्लास। अरे भाई मुझे घर नहीं देखना, क्लास ये तो 1 क्लास है ना, 3 क्लास कोई है? अरे यार वेट। ओके ओके सो यहाँ पे कोई 3 क्लास, ये 4 क्लास है एंड ये 3 क्लास। ओके ये रही, ये 3 क्लास है एंड इसके लिए रेटिंग हाई चाहिए भाई। 300 की रेटिंग में कहाँ से लेके आऊँगा यार। ये 4 क्लास भाई साहब, रेटिंग भी इतनी हाई दे रखी है यार, मैं भाई साहब इसको पूरा अपग्रेड कराना पड़ेगा तब जाके मिलेगी ये। ओके ये इसमें मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, ठीक है बर्नआउट, और इसमें मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, इसमें भी मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ यार। इसी हिसाब से तो भाई मैं कोई ज्वाइन कर ही नहीं पाऊँगा यार। ओके ये वाला नहीं आया था एंड इसके लिए भाई 345 है, हद है भाई। बाकी कोई गाड़ी गाड़ी है इसमें जिसकी भाई रेटिंग 300 की हो, चेक कर लेने दो मुझे भाई, देखता हूँ मैं। वेट इनकी रेटिंग भाई किसी की नहीं आई है। रेटिंग ओ है तो है सही कितनी। ओके इसकी भी हाई है भाई सब, इसकी 261 है, इसकी 263 है भाई, नाइस। बट यार ये गोल्ड कोइन में ना सुप्रा की कितनी है भाई, सुप्रा वेरी सुप्रा सेकंड क्लास में तो है सुप्रा, इसकी भाई ऑलमोस्ट 200 है, ठीक है 197 है। हाँ ये ठीक रहेगा क्लास 3 में, इसको अपग्रेड करेंगे तो ऑलमोस्ट इसकी जो रेटिंग है वो भाई काफ़ी अच्छे खासे पोजीशन पे चली जाएगी। सो चलो अभी भाई मैं इसके साथ कुछ कर तो नहीं सकता यार, कौन सी रेस लगाएं। सो चलो गाइस यार अभी एक काम करते हैं, इसकी ना जो टॉप स्पीड है ना विदाउट किसी अपग्रेड के, देखते हैं कि एक्चुअली में वो कितनी होने वाली है, लेट्स गो। और मेरे पास कैश देखो भाई, मेरे पास 166 कैश हो चुका है यार, हद है भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। बट हाँ ये है कि अपने पास ये वाली गाड़ी आ गई ना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो इसकी जो टॉप स्पीड है पहुँच करके देखेंगे प्रॉपर। आगे रास्ता भी नहीं है, कितनी देर टच कर रही है अभी तो 230 क्रॉस किया है इसने, बट आगे का पता नहीं। 31 यही मान लो कि भाई 230 के आसपास है इसकी स्पीड। हाँ ये 230 रास्ते हैं ना आगे भाई। ओ ओ भाई क्या मस्त गाड़ी चला रहा हूँ भाई मैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। 233, 334, 335 आप भी भाई साहब ऐसी तैसी होगी। ओ क्या कंट्रोल कर रहा हूँ भाई मैं गाड़ी, अरे ठोक दी, कितनी गई थी लास्ट में मैंने ध्यान भी नहीं दिया। भाई क्या ही मस्त गाड़ी चलाई मैंने उधर से भाई, लिटरली मैं सोच तो ऐसे रहा था मैं भाई मैं चला रहा हूँ कि वाली गाड़ी लिटरली भाई। ओके सो भाई इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी है, बट अपग्रेड के बाद ना इसकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक मुझे पता है ना कि इस वाली गाड़ी की ना पिकअप भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुझे बिजनेस में वाली गाड़ी मिली थी तो इसकी जो पिकअप थी ना वो मुझे भाई काफ़ी अच्छी लगी। बट वेट एक बार बिजनेस में देख लेते हैं कि कौन सी कार अवेलेबल है, क्या पता कोई मस्त सी कार हमको देखने के लिए मिल जाए। नहीं यार कोई मस्त गाड़ी नहीं है। एंड हाँ अभी 121 है ना मेरे पास गोल्ड कॉइन, तो अब इनको ना बढ़ा लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम चलते हैं सीधा एंड इसमें हाँ, जैसा कि मुझे तो देखो पता नहीं था, आप लोगों ने ही मुझे बताया कि अगर हम इसमें आउट भी हो जाते हैं तब भी हमको भाई गोल्ड कॉइन या फिर जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके पैसे मिलते हैं। वाओ ग्रीन कलर भाई नाइस, मस्त लग रहा है। अब ये काम करते हैं इसको भाई ठोकते हैं सीधा। ओ ओ भाई एक ही पलटी में ही आउट हो। ओके यहाँ पे करते हैं ओके, करते हैं नेक्स्ट करके ओके
एंड अभी अभी हम देख सकते हैं 121 देना, अभी 123 हो गए होंगे, मतलब काफ़ी इजी ट्रिक है यार, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, अभी बस सुपरा आ जाएगी नेक्स्ट एपिसोड में। एंड अभी एक काम करते हैं, एक ना कोई रेस लगाते हैं, लाइक ड्रिफ्टिंग की नहीं मैं लगाने वाला, सिंगल रेस यार, सिंगल नहीं ना होनी चाहिए रेस, चलो कोई बात नहीं लगा के देखते हैं कि एक्चुअली में कितना कौन सी पोजीशन आने वाली है। ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं करते क्योंकि स्टार्टिंग की गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है जहाँ तक मुझे लगता है। 3, 2, 1 ओके, 5 बार ठोकने से चलो देखते हैं। अरे भाई सब पिकअप उठा ले, फैसले देखते हैं कि एक्चुअली में क्या कुछ सीन रहेगा हमारे साथ। यार इसमें मोड़ भी तो काफी खतरनाक से आ रहे हैं यार, गलत है ये। ओके अभी तक तो काफी अच्छे तरीके से मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ। तो आगे भाई मोड़ आएगा ना भाई, मोड़ पे ऐसी तैसी हो जाएगी। वो ये क्यों हुआ था गेम को, एकदम हिल सी गई थी भाई। अरे भाई तेरी ऐसी की तैसी भाई, यही गाड़ी है ना मेरे सामने आती है जब मैं नॉर्मल रेस भी लगाता हूँ ना, उस टाइम पे भी यही गाड़ी आती है सामने मुझे रोकने के लिए। मतलब वो अलग बात है रॉन्ग साइड पे मैं ही चल रहा हूँ, बट फिर भी यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको रास्ता देना चाहिए मुझे। इनको पता नहीं है कि भाई क्या खतरनाक गाड़ी आ रही है पीछे से, धुएं निकाल तो भाई। लेट्स गो, कौन सी पोजीशन? ओ भाई सेकंड पोजीशन, जिंदगी में आज तक मेरी सेकंड पोजीशन नहीं आई है, बट हाँ भाई इस गाड़ी के साथ सेकंड पोजीशन मैंने काफ़ी इजीली ले ली यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा सेकंड पोजीशन भाई। $1800 मैंने ऐसे ही कमा लिए जो कि मेरे लिए लिटरली फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई, कसम से बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि भाई मैं इतने डॉलर भी अर्न कर सकता हूँ। अब एक काम करते हैं, इस वाली रेस में चलते भाई। भाई कितनी लंबी रेस होने वाली है ये, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा भाई। ओके चलो एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं इस वाली रेस को प्ले करने के लिए। एंड इसमें आई डोंट नो कितने वो आएंगे, प्लेयर्स आएंगे अपने साथ। ओके 4 प्लेयर हैं जिनमें से एक के पास सुप्रा भी है भाई, सुप्रा तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में ले लूँगा। चलो लेट्स गो। ओ साइड, मुझे थोड़ी सी साइड दे दो बिकॉज मैं भाई अलग ही लेवल चलता हूँ तुमसे आगे चलो। यार इस वाले कट पे नहीं, मुझे ठोक देंगे इधर। नहीं नहीं बच गया एक, तो भाई पीछे लगा बंदा। सुप्रा कहाँ पे जा रही है, मुझे छोड़ के अकेले भाई। हेलो ये तो वही रास्ता है ना जहाँ पे अभी मैं रेस लगाई थी, जहाँ पे तू निकल वो लगी भाई साहब टक्कर, वो मेरा रास्ता खराब कर देती, बट हाँ आज पहली बार उन्होंने अपना ही रास्ता खराब किया है। ड्राइविंग हो तो भाई मेरे जैसी, नहीं तो नहीं हो, वो पिछले वाली ड्राइविंग को छोड़ के। बट हाँ यार उसमें मैं सेकंड पोजीशन गेन कर ली थी मैंने, जो कि एक्सेप्ट नहीं थी मुझे कि हाँ भाई मैं इतना कर सकता हूँ, बिकॉज वो मैंने कभी किया ही नहीं है सेकंड पोजीशन। ओके लेट्स गो, थोड़ी सी यहाँ पे, अरे नहीं यार मैं सोच रहा था साइड से निकल जाऊँगा, बट हाँ वो वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पीछे है भाई, हद है भाई, तुम लोग भाई सुप्रा ले लेके भी पीछे हो रहे हो भाई, अलग ही लेवल के भाई। लेट्स गो भाई, ड्रिफ्टिंग काफ़ी मस्त है। और वेट यार ये तो आ गई यार, रेस एंड हो गई अपनी, अभी मैं रेस नहीं मैं छोड़ने वाला, और तो और बूस्ट करूँगा। ओ नहीं बच गया अभी भाई मैं ठुकता वहाँ पे गलत तरीके से, यहाँ पे थोड़े बहुत स्टंट एंड लास्ट जल्दी आ जाओ भाई। ओ भाई नाइस, ऐसी लेट्स गो गाइस। यार भाई याली गाड़ी काफ़ी यार मस्त है भाई, स्काईलाइन भी भाई, मतलब काफ़ी मस्त गाड़ी मैं बाय कर रहा हूँ, बट हाँ नेक्स्ट गाड़ी कुछ अलग ही लेवल की होगी। एंड उसके बाद देखते हैं कि कौन सी गाड़ी मैं बाय करने वाला हूँ। एंड यहाँ से 72,000 है ना, चाहूँ तो मैं इसको अभी कर सकता हूँ भाई, पूरे 2,00,000 तक पहुँचा सकता हूँ इस वाली रेस को कम्प्लीट करके, इस वाली रेस को भाई। ओके एक काम करते हैं, इस वाली गाड़ी को ना मतलब अच्छे तरीके से डिलीवर करते हैं बिना किसी डैमेज के। हाँ मतलब मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई। लेट्स गो इसको भी थोड़ा बहुत करते हैं। अरे तू आना। ओके लेट्स गो। और हाँ जो C66 है ना, ओके लेट्स गो। अभी भाई साहब इसको ना बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना भाई, मुझे गाड़ी का कलर एकदम मस्त लग रहा है, मुझे कलर कॉम्बो इसका काफ़ी अच्छा है। ओ ओ देखो ये ऐसे आती है गाड़ी,
और हाँ, आपने अभी नोटिस किया कुछ कि अभी तक मैंने कोई भी ऐसा मिशन नहीं किया था जैसे अभी मैं कर रहा हूँ बिजनेस का, ठीक है? तो भाई ट्रैफिक नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, वो उसने उसने ठोकी है यार। देखो ट्रैफिक में ना यही दिक्कत होती है, मतलब जब आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो भाई ट्रैफिक आ जाएगा बहुत दबा के, और वो भाई हर एक मोड पे आपको बीट करने की कोशिश करेगा। बट हाँ नहीं, ऐसा भाई हो ही नहीं सकता भाई, मैं बीट हो जाऊँ भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी। निकलो भाई, बूस्ट तो यूज नहीं किया भाई मैंने। एक ट्रक आ गया पे, निकल भाई ट्रक वाले तेरी ऐसी की तैसी। लेट्स गो, ओके काम करते हैं, चले चलते हैं। ओ वेट, मुझे पीछे साइड पे इसको पार्क करना था, मैं क्या कर रहा हूँ? यार ड्रिफ्टिंग के चक्कर में अपना अलग ही लेवल का सीन हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब इसको यहाँ पे लेके चलते हैं। अरे बोलना चाहिए यार कि हाँ भाई मैं 100 में कर दूंगा, 100% में मैं इसको पार्क कर दूंगा। अबे छोड़ो भाई रहन दो, ये मैंने वैसे ही किया था। सो चलो अब एक काम करते हैं, अपनी ना जो वो कॉर्वेट C6 है ना उसको एक बार ना लेके आते हैं, ठीक है? कहाँ पे है वो? ओके ये रही, इसको ना एक बार मैं लेके चलता हूँ सीधा वहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग शॉप पे। ट्यूनिंग पे लेके चले या अपग्रेड पे लेके चले देखते हैं। स्टाइलिश शॉप पे लेके चलते हैं इसको, कहाँ पे है ये रही ना, अपग्रेड नहीं करने है मुझे। ओके ये रही, स्टाइलिश शॉप पे लेके चलते हैं, देखते हैं कि इसमें हम क्या कुछ करवा सकते हैं। एंड हाँ, इसका जो कलर है ना उसको मैं चेंज करके ब्लैक रखूँगा, ब्लैक काफ़ी मस्त लगेगा। लेट्स गो, अब ये काम होता है, जल्दी से चलते हैं। आई होप सो कि अच्छी वाइब दे यार ये जो भी मैं अभी इसमें करवाने वाला हूँ। ओह भाई क्या खतरनाक, ओ वाह 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 भाई, मैंने ये तो चेकआउट ही नहीं किया यार। जी भाई इसका स्टीयरिंग हम चेंज कर सकते हैं भाई, सब 17,000 यार नॉर्मल है। ये भी चेंज भाई, अंदर से इसका सब कुछ चेंज कर सकते हैं यार, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, कभी फोकस ही नहीं दिया। न्योन लाइट सीरियसली भाई, साइडों की, अरे भाई सब इसमें काफ़ी खर्चा आने वाला है। बट ये देखो तीनों साइड की अलग अलग होने वाली है। पोप को हम चेंज, ओ हाय हाय, ओ भाई मैं भाई सुप्रा में ना इसको इतना अच्छे तरीके से मॉडिफाई करूँगा ना सुप्रा को भाई, मैं क्या बताऊँ भाई। और देखो यहाँ पे भी ना सुप्रा है भाई, ये जो आप साइड में गाड़ी देख रहे हो ना ये सुप्रा है। ये क्या चीज़ है? ओके लाइट, लाइटिंग है ये मेरे ख्याल में। लाइट का कलर वो तो चलो हम ना बाद में ही देखेंगे। एंड इसका जो वो ड्रिफ्टिंग, नाइस यार, गाड़ी के कलर के मैच के हम ड्रिफ्टिंग चूज करने वाले हैं। ओह काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, बट नहीं नहीं बाय थोड़ी ना करना, वो पागल हो गए तुम लोग भाई बाय करने के लिए बोल रहे हो। ओके ये हमें ना सुपरा लगा रखी है बट। ओके चलो सबसे पहले ना इस पर कलर ही करवा लेते हैं, एंड कलर मैं रखवाने वाला हूँ ब्लैक। सो गाइस जरा अभी देखो इसका जो ब्लैक कलर है ना वो मस्त तो लग रहा है, बट गाइस इसके लिए हमें $11,000 पे करने पड़ेंगे, जो कि मैं इस वाली गाड़ी पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑफ यार मैं भाई सुप्रा पे सोच रहा हूँ कि ये सब करने के लिए। एंड इनकी जो लाइटिंग है ना उसका भी भाई मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, एंड जो सामने की लाइट है आई थिंक, हाँ उसका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। या इसमें ना ये ना काफ़ी मस्त कर दिया गया भाई, या फिर इन सबका भाई कलर मैं चेंज कर सकता हूँ सबका, ये मैंने नहीं देखा था भाई पहले। ओके सो अब ये काम करते हैं पार्ट्स पे चल के देखते हैं, यहाँ पे कुछ नया ऐड किया है क्या? ओके यहाँ पे भाई सब ये देखो, नहीं नहीं ये पहले से ही है जहाँ तक मुझे लगता है। स्पॉइलर इसका कैसा है भाई? ये तो लोग लगे पड़े भाई। ओके भाई एक काम करते हैं अभी रहन देते हैं, ठीक है? अभी मैं कुछ नहीं करवाना चाहता क्योंकि यार यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगने वाला है, जो कि मैं नहीं चाहता। एंड ये सारा पैसा ना मैं सुप्रा पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ भाई, सुप्रा बनो अलग लेवल बना देंगे यार, मतलब अलग ही लेवल लगनी चाहिए अपनी जो सुपर है। सो चलो अभी भाई साली गाड़ी में मैंने कुछ करवाया तो है नहीं, ऐसे ही भाई मैं इसको निकाल। और ग्राफिक्स इतने लोग कैसे हो गए भाई, मैंने ओके अभी ये आराम आराम से ठीक हो जाएंगे। सो चलो गाइस यार आज के इस गेम प्ले वीडियो में इतना ही, आई होप सो कि आज की जो गेम प्ले वीडियो है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। भाई लिटरली मुझे नहीं पता था कि भाई उसमें स्टाइलिश शॉप पे इतना कुछ नया ऐड कर दिया गया है, नहीं तो भाई मैं अपने मस्टैंग में वो सब करवा लेता। बट हाँ अभी मैं सुप्रा में वो सब कुछ करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं। अरे यार भाई मैं ड्राइविंग भाई सब इतनी घटिया हो गई है ना, क्या बताऊँ। सो चलो गाइस यार आज के इस गेम प्ले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
In the corner of the room, not ready to resist.